शनिवार से मिलेगा 1,700 जरूरतमंद गरीबों को अन्न धान्य। वाड़ी क्षेत्र के 90 दिव्यांगों को 6,48,000 निधि वितरित किया जाएगा। वाड़ी नगर परिषद क्षेत्र के गरीब नागरिक अब तक अन्न धान्य के लिए भटक रहे हैं। सामाजिक संस्था व कार्यकर्ता राष्ट्रीय पार्टी के नेताओं ने गरीबों को खाना खिलाया। वाड़ी में कामगार ज्यादा होने से उनका खाने का सवाल खड़ा हुआ था। इसकी दखल लेकर नगर परिषद अध्यक्ष प्रेम झाड़े ने जिलाधिकारी को अन्न धान्य की मांग की थी। जिलाधिकारी ने इस मांग को तुरंत मंजूर कर जिनके पास राशन कार्ड नहीं है ऐसे 1700 गरीब लोगों को नगर परिषद की ओर से धान्य वितरण करने की जानकारी नगराध्यक्ष प्रेम झाड़े उपाध्यक्ष राजेश थोरा ने निजवाड़ी प्रेस क्लब वार्ता में दी है। 3,500 लोगों के नाम जिलाधिकारी को भेज दिए जिसमें से 1700 लोगों ने नाम नगर परिषद पास मंजूर होकर आए हैं। उनका धान्य भी मिल रहा है। शनिवार को वाड़ी में इसका वितरण नगर परिषद की ओर से 3 स्थानों पर किया गया। चावल, गेहूं, दाल, चना दाल, तेल, शक्कर, जीवन आवश्यक वस्तुएं वाड़ी स्थित टेकड़ीवाड़ी, नवनीत नगर, जिला परिषद स्कूल, पुरानी ग्राम पंचायत के पास आज से वितरण होने की जानकारी अध्यक्ष प्रेम झाड़े द्वारा दी गई है। पहले दौर पर जिनके पास राशन कार्ड नहीं है ऐसे जरूरतमंद लोगों को फोन मैसेज के द्वारा सूचना देकर निशुल्क धान्य लेने की सूचित किया जाएगा। दूसरे दौर में राशन कार्ड धारकों को राशन दिया जाएगा। नगर परिषद ने 5% अपंग का निधि 90 दिव्यांगों के प्रति 7,200 रुपए कुल 6,48,000 रुपए दिव्यांगों के खाते में ट्रांसफर करने की जानकारी उपाध्यक्ष राजेश थोरा ने इन्होंने दी है। कोरोना या विषाणु सा प्रादुर्भाव थांबविण्यासाठी केंद्र शासन व राज्य शासन द्वारे लॉकडाऊन चे आदेश देण्यात आले होते। आज 1 महिन्याचा कालावधी पूर्ण झालेला आहे। वाडी शहरातील नागरिकांनी व व्यापारी वर्गांनी या लॉकडाऊनच्या काळामध्ये केंद्र शासन, राज्य शासन व नगर परिषद द्वारा वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांचं पालन केलं व नगर परिषद प्रशासनाला सहकार्य केलं याबद्दल मी समस्त वाडी शहरातील नागरिकांचे नगर परिषद वाडीचा अध्यक्ष म्हणून सर्व नगरसेवकांच्या वतीने, जनतेच्या वतीने आभार व्यक्त करतो व त्यांना धन्यवाद देतो। नागरिकांकडे रॅशन कार्ड नाही आहे। जे अस्थायी स्वरूपात वाडीमध्ये राहणारे कामगार आहेत त्यांना येत्या 1 ते 2 दिवसात नगर परिषदेच्या माध्यमातून त्यांना कॉल जाईल, त्यांना SMS जाईल व प्रति कुटुंब 10 किलो गहू, 10 किलो तांदूळ, 1 किलो साखर, 1 किलो चना डाळ, 1 किलो तुवर डाळ व 1 किलो तेल प्रत्येक लाभार्थी गोरगरीब कुटुंबाला ज्यांचं नाव 1700 यादीमध्ये आहे त्या कुटुंबाला देण्याचं काम नगर परिषदद्वारा वाटप करण्याचं काम होईल। उर्वरित यादीमधील जे लाभार्थी आहेत, जे कुटुंब आहेत, ज्यांच्याकडे ऑलरेडी APL शिधापत्रिका आहे, APL रेशन कार्ड आहे, त्यांना संबंधित रेशन स्वस्त धान्य दुकानातून देण्याचं काम शासनातर्फे होणार आहे। मी या सर्व गरजू लोकांना विनंती करतो की नगर परिषदद्वारा धान्य वाटप होत असताना आपण सोशल डिस्टन्सिंगचं पालन करावं व नगर परिषदेच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना सहकार्य करावं। धन्यवाद। NBC न्यूज के लिए वाड़ी से सुनील शेट्टी के साथ अभिषेक पांसे की रिपोर्ट।